नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले में एक बार फिर से मानवता हुई शर्मसार। भगवान बुद्ध की धरती कही जाने वाली सिद्धार्थनगर जिले में इस समय मानवता एक बार फिर से शर्मसार हो गई है, जब एक दिव्यांग युवती ने गांव के ही राम अनुज चौरसिया के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इटवा थाने के अंतर्गत आने वाले धोबहा एहत माली के अमहवा में एक दिव्यांग युवती शाम को पास में ही शौच के लिए गई, जहां राम अनुज चौरसिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल इस मामले में इटवा सीओ ने बताया कि एफआईआर दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीएसआई सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की ये खास रिपोर्ट। ये जो सूचना मिली थी कि अमावा धोबहा अमावा में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसका घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। लड़की विकलांग थी और लड़का भी उसी के पास पड़ोस का था, तो उसका आरोप जो था उस आरोप पर एफआईआर दर्ज हुई और उसकी गिरफ्तारी हुई। लड़की को मेडिकल व 164 के बयान के लिए सिद्धार्थनगर रवाना किया गया है और लड़के की गिरफ्तारी हो गई है। क्या हुआ तब या क्या है पूरी घटना? यहाँ जो लड़की है वो विकलांग है, हमारी बहन है। यहाँ आई थी बाथरूम करने और रामानुज चौरसिया नाम का लड़का है, बिल्कुल आवारा लड़का है गांव का। वो पहले भी एक दो हादसा कर चुका है गांव में मारपीट, यहाँ से उठा के ले गया। वो गेहूं का खेत, बगल में गेहूं है, वहाँ गेहूँ में बलात्कार किया है। वो लड़की को जान से मारने का धमकी भी दिया और वो लड़की घर पर जाके बताई कि हमें जान से मारने की धमकी दिया, हमारा बलात्कार हुआ है। उसके बाद हमने कुछ कार्रवाई पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाले आए थाने पर ले गए, अभी वो बंद है, पुलिस कार्रवाई चालू है। लड़के के घर से कोई पहले की दुश्मनी है आपकी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा अच्छा जनता है, रिलेशन है, हमारे घर के सामने उसका घर भी है।